2020 ये वो साल है जो राजनीति के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जब राजनीति में दो दिग्गज नेताओं के बीच एक गहरी खाई खुद गई, जब दो दिग्गज नेता एक दूसरे पर आंख बाछे खड़े थे। दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन आपको बता दें, इस राजनीतिक तस्वीर के रंग 2018 में ही भर दिए गए थे, जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री की सीट पर अपनी धाक जमाना चाहते थे, लेकिन आलाकमान ने अशोक गहलोत के समर्थन में फैसला सुनाया और राजस्थान की चाबी गहलोत के हाथों में सौंप दी। और इसी चाबी से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते पर कहीं ना कहीं गहरा असर पड़ा। सत्ता के लालच से आज तक गहलोत और पायलट के बीच रार बरकरार है या दूर हो गई, या फिर कांग्रेस के मसूबे को राजस्थान में अब लग सकता है धक्का, या फिर गहलोत का जादू चलने पर पायलट खेमे को आखिर क्यों मौन होना पड़ता है, क्या कारण है इसके पीछे और क्या वजह है, और ऐसी कौन सी नफरत पैदा हो गई जिसने एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में तलवार खड़ी कर दी, या सारी लड़ाई कुर्सी हासिल करने की है। ये कई तरह के बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर चाय की थड़ी पर बैठा युवा, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सियासी गलियारों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल क्या रहा है, राजस्थान की 750 करोड़ की आबादी आखिर इन दोनों नेताओं के बीच क्यों पिस रही है, ऐसा दाल में क्या काला है जो दोनों नेताओं को एक होने से रोक रहा है, सत्ता का लालच या आपसी मतभेद या फिर कुछ और। और एक बात, जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, लोगों की जिंदगी या दाव पर लगी थी, वही दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में दो नेताओं के बीच सियासी उठक पटक चल रही थी, मुख्यमंत्री पद को लेकर दो नेताओं के बीच रस्साकशी चल रही थी, दोनों नेता एक दूसरे पर शब्द भेदी बाण चला रहे थे, गहलोत पायलट के बीच जारी खींचतान पर पूर्ण विराम लगने का नाम नहीं ले रहा था, मानो कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की दशा दिशा से पूरी पार्टी में हलचल मच गई थी, और यही हलचल शायद आज तक कहीं ना कहीं बरकरार भी है। ये कई तरह के सवाल यहाँ खड़े होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूँ सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। राजस्थान में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के नजदीक होने के साथ राजनीतिक कयासों का दौर भी जारी है। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। वही यह सवाल भी उठने लगा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अभी भी कहीं ना कहीं दूरियां बनी हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नई CWC में सचिन पायलट की एंट्री हुई है। पहली बार CWC के सदस्य बने हैं सचिन पायलट। युवा चेहरे के तौर पर पायलट का नाम शामिल किया गया है। पायलट काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पायलट को किसी बड़े राज्य का इंचार्ज बनाया जा सकता है, और साथ ही इससे यह भी साबित होता है कि इससे पायलट की नाराजगी फिलहाल के लिए दूर हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि सचिन पायलट की सभाओं के सियासी मायने क्या है, सीएम गहलोत और पायलट कितने दूर कितने पास है, या फिर सीएम गहलोत पायलट की नजदीकियां दूरियों में बदल रही है, या चुनाव आने तक दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी। चलिए कांग्रेस में सब ठीक होने का दावा सियासी मायनों के जरिए समझते हैं। एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, एक एक मुद्दा आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं 2018 से। आखिर 2018 में पायलट और गहलोत के बीच कहां से तकरार शुरू हुई? पायलट की अगुवाई में 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बहुमत से जीत लिया। मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनना चाहते थे और बना दिए गए अशोक गहलोत। पहली बार अशोक गहलोत को राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सीधे तौर पर चुनौती मिली थी। यहीं से दोनों के बीच शुरू हुई राजनीतिक अदावत अब तक जारी है। 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार कांग्रेस को क्लीन स्वीप मिली। पायलट ने हेल्थ और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा, लेकिन गहलोत ने पायलट को साइडलाइन कर दिया था और पायलट की नाराजगी कहीं ना कहीं कड़वाहट में बदल गई। अब आपको बताते हैं कि 2020 में गहलोत ने पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से आखिर क्यों हटाया। दरअसल 2020 में गहलोत ने कुछ बैठकें बुलाई थी, उन्हीं बैठकों में पायलट शामिल नहीं हुए थे। इसी बात से नाराज होकर गहलोत ने पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। पायलट के दो समर्थकों को भी हटाया गया था।
इसी मामले के बाद से सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया था, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। तभी से पायलट और गहलोत के बीच दरारों ने एक और गहरा रूप ले लिया था। वही दरारें शायद आज तक नहीं भर पाई है। अब बात करते हैं कुर्सी के बीच के अंतर के बारे में। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर में चल रही एक सभा में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कुर्सी के बीच लगभग 5 फीट की दूरी देखने को मिली थी। अब आप सोचिए, एक ही सभा, एक ही पार्टी के दो नेता, लेकिन इस दूरी का क्या मतलब समझा जाए। लिहाजा दोनों नेता एक ही पार्टी से है, लेकिन आखिर दोनों नेताओं के मन में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो दोनों को एक होने से रोक रहा है। वही आपको राजनीतिक की सियासी गलियारों से जुड़ी एक और चहल पहल बता दें। कुछ ही समय पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को गले मिलवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्या ये गले मिलना सच में गले मिलना है या फिर दुनिया के सामने एक दिखावा है, या फिर मौजूदा सरकार को रिपीट करवाने की कोशिश की जा रही है, या फिर गहलोत और पायलट के बीच ऐसा क्या विवाद है जो कांग्रेस सुलझा नहीं पा रही है, और इस विवाद से आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को क्या फायदा होगा। लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं की है। सीएम ने घरेलू उपभोक्ताओं का फ्यूल चार्ज खत्म करने की घोषणा की है। 200 यूनिट से अधिक उपभोग पर भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं अशोक गहलोत चुनाव से पहले। क्या मकसद है इसके पीछे का? तो वही दूसरी तरफ जनता पूछती है कि पहले सरकार महंगाई बढ़ाती है और चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए सरकार महंगाई राहत कैंप लाती है। कितना असर करेगी ये योजना जनता पर, या फिर राहत कैंप से राहत मिल जाएगी सरकार को? वही दूसरी ओर फ्री की बिजली वाले मुद्दे पर बात करें तो बिजली कंपनियां घाटे में चल रही है, तो फिर आखिर क्यों मुख्यमंत्री फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं? अब आप सोचिए, इन सभी योजनाओं को अभी चुनाव से पहले लाने का क्या मतलब समझा जाए, सत्ता वापसी या फिर कुछ और? अब इन्हीं योजनाओं पर सचिन के दोहरे वार को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, अशोक गहलोत की योजनाओं में सचिन पायलट की एंट्री भी हो चुकी है। पायलट जहां भी जिस भी जनसभा को संबोधित करते हैं, वहां अशोक गहलोत की योजनाओं का नाम नहीं लेते हुए योजनाओं का गुणगान जरूर करते हैं। पायलट के दो तरफा भाषण से अलग अलग मायने निकलते हैं। पायलट एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। कभी पायलट इशारों ही इशारों में अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साधते हैं, तो कभी दूसरे निशाने से अपनी ही सरकार के समर्थन में बोलते हैं। पायलट ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात भी कही है। पायलट ने कहा कि पिछले 25-30 सालों से राजस्थान में आखिर क्या हो रहा है, कभी 5 साल भाजपा तो कभी 5 साल कांग्रेस, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 2023 में फिर से सरकार बनाकर इतिहास रच देगी। हमने हमारे क्षेत्रों में काम किया है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा में अपने मत का सोच समझकर इस्तेमाल करना है। आपका आशीर्वाद फिर से हमें सत्ता में ला सकता है और फिर एक बार ये साबित हो जाएगा कि जनता स्पष्ट तौर से बीजेपी को नकार चुकी है। लिहाजा सचिन पायलट सभी सभाओं में शिरकत तो कर रहे हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी योजना का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इसके सियासी मायने दो तरीके से निकलते हैं। क्या सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं या बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद बात करते हैं केंद्र सरकार को लेकर, कि क्या पायलट ने केंद्र सरकार पर क्यों निशाना साधा। पायलट ने फिर से एक बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा, आज फिर चुनाव हमारे सामने है। 3 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव है। ये चुनाव 2024 में तय करेंगे लोकसभा के चुनाव। पिछले 9 साल में केंद्र में भाजपा सरकार ने अपनी धाक जमा रखी है। बहुत सालों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में 2 बार बनी, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर वर्ग ठगा सा महसूस करता है। किसी भी वर्ग को भाजपा के कार्य से संतुष्टि नहीं है। भाजपा ने किसान के 3 काले कानून बनाए, 1 साल तक आंदोलन हुआ और आखिरकार बीजेपी को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और काले कानून वापस लेने पड़े। इसके बाद बात करते हैं पायलट के टोंक दौरे को लेकर। सचिन पायलट ने 22 अगस्त को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता लगातार राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की यहाँ इस बार दाल नहीं गलने वाली।
पायलट ने कहा मैं टोंक गया था, मैं वहां बोला कि भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की पार्टी को हिला हिला कर जगा रहे हैं, लेकिन ये पार्टी जाग नहीं रही है। लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी की एक बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन दुख इस बात का है कि भाजपा ने अपनी जिम्मेदारी को ना ही समझा ना ही निभाया है और ना ही जनता की भावनाओं की कद्र की और साथ ही जनता का विश्वास भी तोड़ा है। टोंक में आयोजित सम्मेलन में सचिन पायलट ने कहा आपकी ताकत से पिछले चुनावों में पार्टी ने टोंक में रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी। इन 5 सालों में जितना विकास संभव था हमने उससे अधिक काम करने का प्रयास किया है। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, अनेकों पार्टियां आपके बीच आएगी, आपको मंदिर मस्जिद जाति धर्म के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करेगी। हमको उनकी बातों में नहीं आना है और अपने भाईचारे को कायम रखना है। टोंक दौरे के बाद बात करते हैं पायलट के मसूदा दौरे को लेकर। सचिन पायलट ने मसूदा में एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया, लेकिन जब पायलट दूदू से गुजर रहे थे तो मानो उनका ऐसा स्वागत हुआ कि जैसे वो दूदू से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दे 5 साल पहले यही जगह थी जब दूदू से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ निकले थे, तब भी ऐसा ही स्वागत हुआ था। लेकिन इस बार सचिन पायलट अकेले निकले, वो विजयनगर गए, वहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। अजमेर के सांसद रह चुके हैं पायलट, इसीलिए मसूदा विधानसभा क्षेत्र उसी इलाके में आता है जहां से वो सांसद है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने अलग है। राकेश पारिक वहां से विधायक है जो सचिन पायलट के पक्ष शिष्य है, मतलब सचिन पायलट अगर उनके जीवन में नहीं होते तो शायद वो कभी विधायक नहीं बन सकते थे और वो उन विधायकों में से है जो मानेसर गए थे। अब कांग्रेस की राजनीति में मानेसर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पायलट के मानेसर जाने के कदम को राजनीति में सबसे बड़ा कदम माना जाता है। सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही विवाद चल रहा है। पायलट ने सीएम गहलोत पर बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। पायलट गहलोत की सरकार तोड़कर खुद अपनी सरकार बनाना चाहते थे। इसी के चलते 2020 में पायलट अपने 19 विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे। लेकिन आपको बता दें कि गहलोत को राजस्थान की राजनीति में ऐसे ही जादूगर नहीं कहते हैं। गहलोत को इसकी भनक पहले ही लग गई थी और मानेसर में मौजूद विधायकों में से कुछ विधायक गहलोत के पास वापस आ गए थे, जिसमें से कुछ निर्दलीय विधायक भी थे। यहीं से पायलट की कोशिशें नाकाम होती नजर आई थी और विधायक टूटना शुरू हो गए थे। आलाकमान ने कोड़िया गहलोत के समर्थन में उतारी और राजस्थान की राजनीति का रिमोट जादूगर के हाथ में दे दिया। यह कहानी थी मानेसर की। लेकिन पायलट के मसूदा दौरे को लेकर सियासी गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सचिन पायलट अपनी विधानसभा सीट बदलकर मसूदा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल उठ रहा है सियासी गलियारों में। या हो सकता है कि वो विधायक राकेश पारिक के लिए अहम भूमिका निभा रहे हो। पायलट के दौरेपन के भाषण से कांग्रेस की राजनीति में कई बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं, जिनका जवाब शायद पायलट और गहलोत की रार खत्म होने से ही मिलेगा। लेकिन फिर आपको बताते हैं कि अभी पायलट ने कुछ ही समय पहले गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। बता दें कि पिछले दिनों पायलट ने जयपुर में धरना भी दिया था। उस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अब तक के कार्यकाल में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिनके आधार पर वो सत्ता में आई थी। सचिन पायलट लंबे समय से राज्य में पिछली बीजेपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग कर रहे हैं। पायलट का कभी अपनी सरकार के समर्थन में बोलना और कभी अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर हमला करना। इस दौरेपन भाषण का असर पायलट के चुनावी भविष्य पर हल्का पड़ेगा या भारी, बस ये देखना बाकी रहा है। वही भारत जोड़ो यात्रा पर पायलट ने राहुल गांधी का समर्थन भी किया। पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस उद्देश्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की और बीजेपी जिस प्रकार नफरत और टकराव की राजनीति करती है, उसके विरोध में हम सब मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति में सदस्य बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे कार्य समिति में जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। लोगों का आज कांग्रेस से उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए रणनीति बना रही है और सरकार संगठन मिलकर काम कर रहे हैं।
शुरू से लेकर अब तक की कहानी में आप पायलट के दोहरे भाषण को समझने की कोशिश कीजिए। पायलट कभी अपनी ही सरकार के समर्थन में बोलते हैं और कभी अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पायलट के इस दोहरेपन से क्या समझा जाए? आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा पायलट? क्या मकसद है उनका, अपनी ही सरकार के साथ हाथ मिलाना या अपनी ही सरकार का हाथ छोड़ना? 2018 की बगावत से शुरू हुए ये सवाल आज भी अपना जवाब तलाश रहे हैं। लेकिन आज भी जब राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट में लोगों के मन पसंदीदा नेता की बात आती है तो पायलट की लोकप्रियता गहलोत के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पायलट और गहलोत का तालमेल देखने को मिलेगा या फिर पायलट और गहलोत के बीच कड़वाहट देखने को मिलेगी। सचिन पायलट के सियासी मायनों से अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा और कितना फायदा, यह भी एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है। लेकिन यदि अब कांग्रेस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस खाई को नहीं भर पाती है तो कांग्रेस को शायद भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार।